हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के और आलू से मसालेदार पूरी। बहुत टेस्टी होता है ये, खासकर सर्दी के दिनों में इस टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगती है खाने में गरम गरम। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर छन्नी रख लेंगे। एक कप मक्के का आटा छान लेंगे। मक्के का आटा मैंने छान लिया है, ये जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है इसको हटा देंगे। एक कप गेहूं का आटा छान लेंगे। तीन उबला हुआ आलू ले लिया है, ग्रेट कर लेंगे आलू को आटे में। हाफ टी स्पून साबुत जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन क्रश करके डाल लेंगे। दो हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लेंगे। मिर्च अगर ज़्यादा तीखा हो तो पहले मिर्च का बीज हटा के फिर चॉप करके डालें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर तीखा आपको ज़्यादा पसंद हो तो मिर्च मसाला अपने पसंद के अनुसार और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, दो बड़े चम्मच ऑयल, तीन से चार बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया की जगह पे आप बथुआ यूज़ कर सकते हैं, मेथी यूज़ कर सकते हैं या पालक यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वन टी स्पून ग्रेटेड अदरक। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद ज़रूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे आटा गूंथने के लिए। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आटा लगाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत होगा तो और पानी ऐड करेंगे। आटा हमें ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है ना ही बहुत ज़्यादा कड़क रखना है, ठीक ठीक होना चाहिए। जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए आटा। आटा को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, लोइया कट कर लेंगे। जैसे हम गेहूं के आटे से पूरियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लोइया कट करेंगे। सारे आटे का लोइया कट कर लिया है, चिकना चिकना पेड़ा की तरह लोइया बना लेंगे। चकला ले लिया है, चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल रख लेंगे, बेलन में भी ऑयल लगा लेंगे। पूरी बेलने के लिए एक लोइया ले लेंगे, हल्का सा ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे हल्के हल्के, क्योंकि इसमें मक्के का आटा है, आलू है तो ये चिपक सकता है, इसलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पूरी बेलेंगे। पूड़ियाँ हमें थोड़ी मोटी मोटी ही बेलनी है, क्योंकि मक्का ऐड है, आलू ऐड है तो पतली पतली पूड़ी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। थोड़ा सा समेट लेंगे हाथ से, ऐसे ही सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाही रखेंगे, कढ़ाही को गरम होने देंगे। कढ़ाही गरम हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। पूड़ियों को फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए। ऑयल चेक कर लेते हैं, टूथपिक लिया है, डिप करके देखेंगे, काफ़ी अच्छे बबल्स उठ रहे हैं। एक पूरी रखेंगे, पूरी को एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे। आप देख पा रहे होंगे पूरी अपने आप ही ऑयल के ऊपर तैरने लग गया है, ये और ज़्यादा फूल जाएगा बिल्कुल बॉल की तरह। दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड से ब्राउन होने लग गया है, ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। हल्का सा ऐसे टैप कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। एक प्लेट में रख लेंगे, फिर से सेकंड पूरी रखेंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ये अपने आप ही ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अपने आप ही तैरने लग गया है और फूल भी गया है। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो और अच्छे से फूल जाएगा चारों तरफ से। पलट देंगे, दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दोनों साइड से ब्राउन हो चुका है, ऑयल से बाहर कर लेंगे और बाकी की पूड़ियाँ सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारी मक्के की और आलू की मसालेदार पूड़ी बनके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले फूले बने हैं ये। तोड़ के दिखाती हूँ एक पूड़ी में आपको, बहुत ही टेस्टी और खस्ता बना है। आप भी इस तरीके से मक्के और आलू से मसालेदार पूड़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।